हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा, आज हम बात करने वाले हैं हिमालय के फेस वॉश के बारे में। जी हाँ, हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी पैकेजिंग की। तो इस तरह से ट्यूब फॉर्म में ये आता है, जिसकी कि इस तरह से नोजल ओपनिंग है और बिल्कुल ही हैंडी सा पैक है। आप इसे कहीं पे भी लेके ट्रैवल कर सकते हैं, लीकेज की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड बहुत ही ऐसा नहीं है कि बिल्कुल लूज सी इसकी कैप हो, बहुत अच्छी इसकी कैप है। आराम से अगर आप इसे टाइटली बंद करते हैं तब ये बंद होती है। तो इस तरह से इसकी पैकेजिंग है। तो पैकेजिंग के बाद अब हम इसकी बात करते हैं कि ये कितने ml का प्रोडक्ट है। इसकी जो नेट क्वांटिटी है वो है 50 ml, यानी कि 50 ml का ये प्रोडक्ट आपको 68 rupees में मिल जाता है। यहाँ पे 68 rupees लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर नायका वगैरह से या किसी ऑनलाइन साइट से ख़रीदते हो तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, अच्छा खासा डिस्काउंट इसके ऊपर चलता रहता है। तो 50 ml का प्रोडक्ट आपको 68 या 60 के अराउंड आपको आराम से मिल जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसके फ्रंट पे क्या क्या लिखा हुआ है। इसके फ्रंट पे क्लियरली लिखा हुआ है टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश, यानी कि इसके अंदर ऑरेंज पील पाउडर है, ऑरेंज पील है इसमें। हाँ, यहाँ पे क्लियरली लिखा भी हुआ है ऑरेंज पील एंड हनी, इसके अंदर ऑरेंज पील है और हनी है। एंड इसके ऊपर लिखा हुआ है इफेक्टिवली क्लींजिस विजिबली रिड्यूस टैन, यानी कि आपकी जितने भी टैनिंग हुई होती है, समर्स में बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाती है, तो उसको कम करने में ये हेल्प करता है। इस पे क्या क्या क्लेम किया हुआ है। इस पे लिखा हुआ है हिमालय टैन रिमूवल ऑरेंज फेस वॉश इज एन इफेक्टिव ब्लेंड ऑफ ऑरेंज पील हनी एंड पेपिन विच विजिबली रिड्यूसेस द स्किन टैन एंड सूदन स्किन बाय जेंटली रिमूविंग द डेड स्किन सेल, यानी कि जितने भी हमारे स्किन में डेड स्किन सेल्स होती हैं उसको एक्सफोलिएट करता है, जो कि डेड स्किन सेल्स रिमूव हो जाती है और उसकी वजह से जो टैनिंग का प्रोसेस है, यानी कि जो हमारे फेस पे टैन हुआ होता है, वो भी हमें कम लगने लगता है। इसके अंदर ऑरेंज पील है वो हमारे स्किन की जो टोन है, मतलब स्किन टोन को इम्प्रूव करता है। हनी क्या करता है, हमारी स्किन को मॉइस्चराइज करता है। तो ये इसके बेनिफिट्स है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इसे यूज़ कैसे करना है। जैसे हम अपने रेगुलर फेस वॉशेस यूज़ करते हैं, पहले हम अपने फेस को गीला कर लेंगे, उसके बाद थोड़ा अमाउंट इसका लेंगे। इसकी मुझे एक बात सबसे अच्छी लगी, ये बहुत ज़्यादा फोम नहीं बनाता आपके फेस पे, अच्छे से क्लीन कर देता है आपके फेस को, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा झाग हो जाएगी इससे, नहीं। जैसे माइल्ड से क्लींजर होते हैं वैसा है, देख सकते हैं आप, बिल्कुल यूज़ किया हुआ है, थोड़ा सा ही इसमें रह गया है। तो काफ़ी अच्छा फेस वॉश है। अगर बात करें टैन रिमूवल की, तो ये आपका जो नेचुरल स्किन टोन होता है पहले, वो लेकर आने में वापस करता है। ऐसा नहीं है आप इसे यूज़ करोगे और आप गोरे हो जाओगे, ऐसा नहीं है। जो आपकी टैनिंग हुई होती है, रेगुलर यूज़ अगर आप इसको करोगे तो उस टैनिंग को थोड़ा बहुत ये कम करने में आपकी हेल्प। अब इसकी बात करते हैं हम शेल्फ़ लाइफ की। तो इसका जो मैन्युफैक्चर था वो था जून 2018 में और इसकी जो एक्सपायरी है वो है मई 2021 में। तो यानी कि आपको 3 साल तक की आराम से शेल्फ़ लाइफ मिल जाती है। तो ऐसा कोई झंझट नहीं है कि अगर आप ले लोगे और ये एक्सपायर हो गया, नहीं, 3 साल तक इसकी एक्सपायरी है, आप आराम से यूज़ कर सकते हो। और फेस वॉश तो एक ऐसी चीज़ है जो हमें डेली रूटीन में यूज़ करनी ही होती है, मॉर्निंग में नाइट में, तो इसमें शेल्फ़ लाइफ वाला कोई पंगा नहीं होगा। तो बस ये था मेरा एक रिव्यू वीडियो, छोटा सा रिव्यू वीडियो था। हाँ, अगर मैं आपको इसकी एक बार कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, तो इस तरह से ये ऑरेंज कलर का ये फेस वॉश है, बहुत ही इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो जैसे ऑरेंजेस की फ्रेग्रेंस होती है, सेम वैसी सी फ्रेग्रेंस है, बहुत ही अच्छा। मैंने तो डबल निकाल लिया, आपको इससे हाफ की नीड पड़ती है जब आपने फेस वॉश करना हो तो, बिल्कुल हाफ की नीड। तो बस ये था मेरा एक रिव्यू वीडियो, उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड यस, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।